हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक। आज की वीडियो में हम बतलाएंगे कि सुपर स्प्लेंडर का जो बाइक है सुता हुआ इंजन, ये जो सिलेंडर में हमारा टाइमिंग चेन अडजस्टर लगता है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि टाइमिंग चेन जो है अडजस्टर वो पूरा सिलेंडर में घुस जाता है, तो हम अडजस्टर नया भी लगा देते हैं तो फिर भी टाइमिंग चेन साउंड आवाज़ रहता ही है नया अडजस्टर लगाने के बावजूद भी। तो वो अडजस्टर का समस्या नहीं रहता है बल्कि वो टाइमिंग चेन ख़राब हो जाता है। जब टाइमिंग चेन ख़राब हो जाएगा तो ये जो अडजस्टर है ये डायरेक्ट आपका सिलेंडर के अंदर चला जाएगा जब टाइमिंग चेन ख़राब रहेगा। तो अगर आप न्यू अडजस्टर लगाइएगा तो उसको भी आप देखिएगा कि ये अडजस्टर जो है डायरेक्ट ये चला जाता है सिलेंडर में। तो इनसे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा टाइमिंग चेन ख़राब है। तो कुछ कस्टमर क्या होते हैं कि पैसा नहीं रहने के कारण टाइमिंग चेन जो है उसी पर चलाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ मैकेनिक क्या होते हैं, अडजस्टर को जो है इस तरह से वेल्डिंग करा देते हैं। तो इनसे बेहतर बात ये है कि आप बजाज का अडजस्टर लगा दें। ये जो काला वाला अडजस्टर होता है पल्सर 150 का होता है, ये अडजस्टर आप लगा दीजिएगा बगैर वेल्डिंग कराए हुए, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, वेल्डिंग कराने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और आपको हम मिला के भी दिखला देते हैं। तो ये देखिए, ये अडजस्टर थोड़ा छोटा है और ये अडजस्टर थोड़ा सा बड़ा है। तो ये वेल्डिंग आप नहीं कराएं बल्कि ये बजाज का अडजस्टर लगा दें, तो टाइमिंग चेन अगर ख़राब भी रहेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, टाइमिंग चेन से आवाज़ नहीं आएगा। तो बस यही था वीडियो में बताना। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।